भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इंडियन बैंक का घेराव करते हुए की जमकर नारेबाजी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के प्रेम नगर कस्बा स्थित इंडियन बैंक का भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की है। भारतीय किसान यूनियन युवा अध्यक्ष विवेक कुमार ने बैंक मैनेजर व उनके कर्मचारियों पर खाता धारकों के साथ धांधली करने का बड़ा आरोप लगाया है। आइए डालते रिजवानुद्दीन की इस खबर पर नजर, फतेहपुर जिले की रिपोर्ट पर। आज आप लोगों ने इंडियन बैंक का घेराव किया है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि सबसे पहली बात ये है, जो यहाँ के बैंक मैनेजर हैं वो एक तरह से एकदम जिम्मेदारी का कोई निर्वहन नहीं करना चाहते हैं। पहली तो सबसे पहली उनकी भाषा शैली, जब हम लोग हैं हम लोगों से भाषा शैली नहीं सही, तो मैं अंदाज़ा इस बात का लगा सकता हूँ कि जो यहाँ का ग्राहक गरीब आता होगा उससे लोग कैसे शैली से बात करते होंगे। दूसरी बात, एक गरीब आदमी है, उसका 38,000 रुपये यहाँ जमा होता है, जमा होने के बाद उसको रसीद दी जाती है, फिर उसके पासबुक में चढ़ाया जाता है। अब बैंक कह रहा है कि ना हमारी इसमें रसीद में मुहर है और ना हमने चढ़ाया है। अपने हाँ इस बैंक में 90% से लेकर 95% पेन से चढ़ाया जाता है, जो पैसा जिस किसान या खाता धारक का होता है। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं चढ़ाते हैं, ये एकदम गैर जिम्मेदारीपूर्ण बात है। उस किसान का, मजदूर का, वो बेचारा इतना डिप्रेशन में है, उसको 38,000 रुपये का बैंक जिम्मेदार है, बैंक उसको चाहे जहाँ से ले पैसा दे, नहीं तो हमारे इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, मैनेजर के खिलाफ FIR करवाई जाएगी। दूसरी चीज, कहा गया है कि आज के बाद प्रेम नगर जो ये शाखा है इंडियन बैंक, इसके अंदर कोई भी प्राइवेट आदमी ना अंदर जाएगा, ना कंप्यूटर से छेड़छाड़ करेगा और ना उसको पेन से चढ़ाया जाएगा। आपकी और बैंक मैनेजर साहब की क्या बातचीत हुई है? बैंक मैनेजर से मेरी कुछ बात नहीं, बैंक मैनेजर बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक सिंह है, ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। तब हम लोग, क्या नाम है आपका? अशोक। कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला है आपका? 38,000 रुपये। अब हम अनपढ़ आदमी, हमको क्या पता कि कौन सी पर्ची दे दी है। हम तो मैनेजर साहब को भी दिखाए सर, मैनेजर साहब ने कहा कि तुम गधे हो क्या, हमारी बैंक की मोहर चाहे हम लगा दें, चाहे कैशियर साहब लगा दें, चाहे कोई लगा दे, बैंक की मोहर उसका मान है कि नहीं। जो पहले मैनेजर, मान लो 5 मई को, अब कह रहे हैं कि अब वो ये कोई मान नहीं, अब हम जमा कर दिए, जब हमको काम आया तब निकालने आए। अब रोज तो हम कोई बड़ा प्रोग्राम तो करते नहीं कि हम घर बनवाते, मकान बनवाते, पैसा तो है नहीं। कभी एक ठौरी किए, ईंटा गारा किए, इधर यहाँ वहाँ गिट्टी विट्टी ढोए, अपने मिक्सर मशीन में अपने गांव में काम करते हैं, तो इस तरीके ऐसा किए, हम पैसा जमा किए। अब हमको क्या मालूम कि कैसे रसीद तुम दे रहे। हम मैनेजर से जब कहा कि ये डुप्लीकेट है, हमको चौकुंठी मोहर की चाहिए, तो कहा यार तुम गधे हो, कहे कि चाहिए चौकुंठी दे दें, चाहिए गुलाई दे दें, इंडियन बैंक की मोहर तो मोहर। किस बैंक में खाता है आपका? जी इसी बैंक का, इलाहाबाद इंडियन बैंक। कितना पैसा निकला आपके खाते से? जी ये अधिकार है इनका, ये अधिकार, ये निकाले हैं यार, जमा नहीं किए पर्ची। फिर मुझसे कहा, जब मैं आया तो कहा जमा रसीद थी। कितना पैसा आपका निकला है? जी 38,000। किस डेट में निकला है? पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट 25 मई को जमा किया था, उस दिन से आया नहीं। सर, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बैंक का घेराव किया है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली क्या इसमें जो है, एक कस्टमर आता है, अब वो कहता है कि ये पर्ची में हमारे साहब 38,000 रुपया हमने जमा किया था और ये 38,000 रुपया जो है मेरे खाते में नहीं है, है ना। तो हमने जब उसको वेरिफिकेशन किया तो पाया कि हमारे इसमें कैशियर की ना मोहर लगी है ना कैशियर का दस्तखत है, लिहाजा ये फैक है, ये जो जमा पर्ची है ये फैक है। ये समझा करके हमने उनको जो है वापस करने की कोशिश किया, लेकिन वो इसके बावजूद भी जबरदस्ती हल्ला मचाते रहे, शोर मचाते रहे, और वो जो है शोर में नारे भी लगाते रहे, जो कि बेबुनियाद है, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। यदि हमारी शाखा से कोई इस तरह की घटना होती या कोई शाखा से रिलेटेड होती तो मैं ज़रूर उसकी जांच करता हूँ। लेकिन सर, खाता धारक कह रहा था कि ये पर्ची जो हमको इंडियन बैंक से ही दी गई है, खाता धारक ऐसा कहना है। हाँ, वो कह रहा है खाता धारक, लेकिन
कोई भी यदि ये कहेगा कि नहीं हमारी इंडियन बैंक की पर्ची है तो हम ऐसे उसको थोड़ी ना मान लेंगे, ना उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई भी मोहर लगा करके किसी की ले करके चलाए, अपना दस्तखत कर दे और रिसीट कर दे, पासबुक में एंट्री कर दे मैनुअली, तो उसको हम नहीं मान सकते। ठीक है, ठीक है। आपका नाम पद बता दीजिए। मैं आरके वर्मा, सीनियर मैनेजर। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।